नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, चल रहा है दीपावली का पावन त्यौहार और यह आपको 3 दिन को मनाने को मिलेगा। सबसे पहला दिन होता है धनतेरस का, यानी इस दिन को आप धन संबंधी ही समझ सकते हैं। कई लोगों की परेशानी होती है कि वह धन तो कमाते हैं लेकिन उनके पास टिकता नहीं है, या फिर धन का आवागमन इतना कम होता है कि जिससे हमेशा उनके जीवन में परेशानियाँ लगी रहती हैं। उन्हीं धन की समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है कि यह 3 दिन आपके लिए इस तरह से लाभकारी सिद्ध होते हैं। अगर आप इस समय पर कोई भी पूजा या उपाय करते हैं तो उसका दुगुना फल आपको प्राप्त होता है। और हमारे शास्त्रों में तो इस तरह से भी बताया गया है कि अगर धनतेरस के दिन ही एक खास उपाय के माध्यम से या जो भी आप खरीदारी करते हैं उसमें कुछ छोटी सी चीज़ें आप अपने घर ले आएं तो आपकी धन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और यह उपाय भी बड़ा ही सरल होता है, क्योंकि दोस्तों हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन की लालसा रखता है, लेकिन लालसा रखते रखते अगर उसे वह धन प्राप्त नहीं होता तो असंतुष्टि के बादलों में वह घिर जाता है, जिससे उसका मन परेशान रहता है। लेकिन दोस्तों, भगवान की ऐसी कृपा है कि आपको यह 3 दिन मनाने को मिलते हैं। दीपावली का पर्व तो वैसे भी बुरी शक्तियों पर विजय पाना है, तो इसीलिए आप अपने अंदर की बुरी शक्तियों को और नकारात्मक जो बाहर की शक्तियां हैं जिनका प्रभाव आप पे हमेशा पड़ता है, उनको भी आप दूर कर सकते हैं। कुछ खास चीज़ें इस दिन आपको अपने घर पे जरूर लानी चाहिए। आज हम आपको उन्हीं खास चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिससे आपकी धन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको धनिया यानी कि हरा धनिया लेकर आना है। वो भी हरा धनिया इस तरह का होना चाहिए जिसमें जड़े हों और वह ताजा होना चाहिए। जब आप इस धनिया को लेकर आए तो आप किसी साफ गमले में लाल मिट्टी के अंदर इसे रोप दें। उसके बाद प्रतिदिन इसका सृजन करते रहें और इसकी देखभाल करें। धनिये को साक्षात भगवान श्री गणेश से जोड़ा गया है। हमारे शास्त्रों में धनिया को बुध का कारक माना गया है। बुध ग्रह भगवान श्री गणेश जिनके आदिदेव हैं, इसीलिए यह धनिया आपके घर से सभी विघ्नों को दूर कर देगा और आपके जीवन में आने वाले सभी विघ्नों को यह पहले ही समाप्त कर देगा। इसलिए यह एक छोटी सी वस्तु आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करने के लिए कारगर साबित होती है। दोस्तों, उसके बाद आपको सूखा धनिया भी अपने घर पे लेकर आना है और ध्यान रहे इस धनिया का उपयोग आप इन 3 दिन की पूजा में अवश्य करें। कहते हैं माँ लक्ष्मी को यह छोटी सी वस्तु अति प्रिय है, इससे धन 13 गुना बढ़ता है। और हमारे शास्त्रों में भी इसका विधान बताया गया है कि धनतेरस की पूजा के दिन अगर आप धनिया का उपयोग करते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पण करते हैं, तो इससे आपका धन 13 गुना बढ़ जाता है और घर परिवार में भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य 13 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए छोटी सी चीज आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाने के लिए कारगर साबित होती है। तो दोस्तों, जो भी आप खरीदारी करें इन 2 वस्तुओं को लाना ना भूलें। इस बार की दीपावली में आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा और माँ लक्ष्मी सहित कुबेर देव, भगवान विष्णु, भगवान श्री गणेश और चाहे हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हों, उन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि पालन करता भगवान विष्णु और सहयोग में माँ लक्ष्मी आपके घर में साक्षात वास करेंगी। कुबेर देव के धन के खजाने से आपको अपार धन का लाभ होगा जिससे आप सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस बार धनतेरस में यह 2 वस्तु जरूर लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें और अगर ये खास जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।